व्यापारी किसान श्रमिक लाभ उठाएं, इन चार सरकारी योजनाओं का पाए 5,000 रुपए तक की गारंटीड मंथली पेंशन, जानिए कैसे। व्यापारी किसान श्रमिक कोई भी हो, सभी को अपने भविष्य और बुढ़ापे की चिंता होती है। ऐसे में हम किसी न किसी तरह की स्कीम को अपनाना चाहते हैं। यदि आप भी कुछ इस तरह की स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो भारत सरकार आपके लिए लेकर आई है ये सुनहरा मौका। आपको बता दें, भारत सरकार की कई गारंटी पेंशन स्कीम्स हैं, जिससे जुड़कर आप 60 की उम्र के बाद एक निश्चित राशि हर महीने पेंशन के तौर पर पा सकते हैं। चलिए जानते हैं स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन राष्ट्रीय पेंशन योजना। छोटे और लघु कारोबारियों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपए प्रति माह जमा करना होगा। इसी तरह 30 साल की उम्र वाले को 110 रुपए और 40 साल वाले 200 रुपए देने होंगे। ये रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी। जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा उतनी ही राशि सरकार भी सदस्य के नाम से जमा कराएगी। इस योजना का लाभ कैसे लें? इस योजना का लाभ लेने के लिए सेवा केंद्रों पर करवाएं अपना पंजीकरण। ये पेंशन योजना मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों के लिए है। अगर आप इस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो फिर देश भर में फैले 3,25,000 साझा सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। आयकर देने वाले व्यापारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 40 से अधिक उम्र के कारोबारी भाग नहीं ले सकते। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना सरकार की सबसे लोकप्रिय पेंशन स्कीम है। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना में निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की गारंटीड मंथली पेंशन मिलती है। आप पोस्ट ऑफिस और बैंक में अटल पेंशन खाता खुलवा सकते हैं। आपको बता दें, अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो वो इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर 18 साल का युवा अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 5,000 रुपए पेंशन के लिए हर महीने 210 रुपए निवेश करने होंगे। अगर निवेशक की उम्र 20 साल है, उसे 60 की उम्र के बाद 1,000 रुपए मासिक पेंशन चाहिए तो इसके लिए उसे 40 साल तक 50 रुपए का मासिक निवेश करना होगा। जिनकी उम्र 40 पार कर चुकी है, उम्र बढ़ने के साथ स्कीम की शुरुआत करने वाले खाताधारकों को निवेश की राशि अधिक देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। भारत सरकार ने श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये योजना शुरू की है। इस योजना से जुड़े लोगों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है, इस योजना से कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। इस योजना से जुड़ने के लिए मासिक आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन बन सकता है स्कीम का हिस्सा? आपको बता दें, ये योजना खासकर मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और मजदूर के लिए शुरू की गई है। अगर निवेशक की उम्र 18 साल है तो उसे इस योजना में हर महीने 55 रुपए जमा करने होंगे। 30 साल वाले लोगों को हर महीने 110 रुपए और 40 साल वालों को हर महीने 200 रुपए जमा करने होंगे। अगर पेंशन मिलने से पहले ही लाभार्थी की मृत्यु होती है तो पेंशन का 50% हिस्सा उसके जीवन साथी को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। भारत सरकार ने किसानों के लिए पेंशन योजना के तौर पर किसान मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को 60 की उम्र के बाद कम से कम 3,000 रुपए पेंशन दी जाती है। किसान मानधन योजना से अगर कोई 18 साल की उम्र से जुड़ते हैं तो उन्हें हर महीने 55 रुपए जमा करना होगा, जबकि 30 साल वालों को हर महीने 110 रुपए जमा करने होंगे और अगर 40 साल उम्र है तो फिर हर महीने 200 रुपए भरने होंगे। आपको बता दें, इस स्कीम में वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है। ऐसे खुलवाएं किसान मानधन योजना में खाता। पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल ले जानी होगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें 55 रुपए से 200 रुपए के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होता है। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम करती है। पीएम किसान मानधन में जितना किसान प्रीमियम देंगे उतना ही सरकार भी किसान के अकाउंट में जमा करेगी। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।